हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन फॉर अनदर सेशन ऑफ समरीज। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11 की स्नैपशॉट्स बुक से इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 है, जो कि है द टेल ऑफ मेलन सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन, ये एक्चुअली कोई चैप्टर नहीं है, ये पोएम है। सो इट इज़ अ पोएम टेकन आउट ऑफ अ बुक रिटन बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा कुछ कलेक्शन ऑफ पोइम्स लिखी गई थी, दैट मीन्स एक बुक लिखी गई थी जिसमें कुछ कलेक्टेड पोइम्स थी, जिस बुक का नाम था मैपिंग्स। उसी बुक में से ही ये पर्टिकुलर पोइम जो है वो ली गई है। सो द पोइम इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फनी चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं और कुछ पैराडॉक्स आयरनिकल सिचुएशंस भी हमें इस पोइम में देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ किंगडम वेयर एवरी वन इंक्लूडिंग द किंग वॉज फुलिश। अब देखिए, यह सबसे पहली चीज़ ही आयरनिकल है। एक राजा जो है एक राज्य का, एक किंगडम का, वो वाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी बेवकूफ़ हैं इंक्लूडिंग द किंग। अब हुआ क्या, वन डे ही ऑर्डर्ड दैट एन आर्च शुड बी बिल्ट ऑन द मेन रोड ऑफ द टाउन एज इट वुड एनहांस द विक्ट्री एंड ग्लोरी ऑफ द किंगडम। तो उसने एक दिन क्या ऑर्डर किया कि भाई एक आर्च बिल्ट होनी चाहिए, और वो भी मेन रोड में, मतलब जो हम टाउन का बहुत ही बिजी रोड है वहाँ पर ये आर्च बिल्ट होनी चाहिए, ताकि ये किंगडम की क्या शोभा है, क्या विक्ट्री और ग्लोरी है, मतलब महिमा का एक तरीके से हम ये कहें कि इसे और ज़्यादा बढ़ाए। तो आर्च होता क्या है, ये आपको जो साइड पे विजिबल हो रहा है एक इस तरीके का डॉम लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपने देखा भी होगा कहीं आते जाते रास्ते में कि इस तरीके का एक मेन गेट बहुत बड़ा जो है वो बना हुआ होता है, तो इसको बेसिकली आर्च बोला जाता होता है। नेक्स्ट, लेकिन अब हुआ क्या, बट द आर्किटेक्ट बिल्ट इट वेरी लो। व्हेन द किंग रोड अंडर इट हिज क्राउन स्टक अगेंस्ट इट एंड फेल डाउन। He considered it a disgrace and ordered the builder to be hanged. तो हुआ क्या कि जो आर्किटेक्ट था, जब उसने इसे बनाया तो हुआ क्या उससे गलती कि उसने इसे बहुत ज़्यादा लो बना दिया, नीचे बना दिया। तो उससे क्या हुआ कि जब जो राजा था वो अपने घोड़े से सवार होकर इसके नीचे से गुजर रहा था, तो उसका जो क्राउन था, उसका जो मुकुट था, वो इसके साथ टकरा गया और वो नीचे गिर गया। तो ये बड़ी ही डिसग्रेस वाली बात हुई उसके लिए, और उसने उसी वक्त क्या आदेश दे दिया कि भाई जो बिल्डर है उसे फांसी पर लटका दिया जाए। अब क्या हुआ, अब क्योंकि फांसी पर लटकाना था तो क्या अरेंजमेंट्स किए गए, द रोप्स एंड गैलोज वर अरेंज्ड बट द बिल्डर पुट द ब्लेम ऑन द वर्कमैन। अब हुआ क्या, देखो रस्सियों का इंतजाम किया गया है और गैलोज का। गैलोज क्या होता है, ये जो ऐसे वुडन स्ट्रक्चर फांसी पर चढ़ाने के लिए अरेंज किया जाता होता है, उसे हम लोग गैलोज बोलते हैं। तो रोप्स और गैलोज अरेंज किए गए, लेकिन जो बिल्डर था उसने ब्लेम किस पर डाल दिया, उसने ब्लेम डाल दिया वर्कमैन पर। दे इन टर्न ब्लेम्ड द मैसन। अब जो वर्कमैन थे उन्होंने इन टर्न बदले में किस पर ब्लेम डाल दिया, उन्होंने जो मिस्त्री होता है, जो मैसन होता है, उन्होंने उस पर ब्लेम डाल दिया। हु सेड दैट इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द आर्किटेक्ट। और उसने भी, जो मैसन था, उसने किसकी गलती निकाल दी, उसने आर्किटेक्ट की गलती निकाल दी। अब देखो क्या हुआ, द आर्किटेक्ट फाइनली ब्लेम्ड द किंग। अब जो आर्किटेक्ट था उसने फाइनली क्या किया, उसने राजा जी को ये कहा कि राजा जी मैं तो आपके पास आया था डिज़ाइंस लेकर और आप ही ने मुझे ये पर्टिकुलर चेंजेस करने को कहा था। तो उसने फाइनली ब्लेम जो था वो किस पर डाल दिया, उसने किंग पर डाल दिया। अब आगे फर्दर क्या हुआ, द किंग ग्रू एंग्री व्हेन ही हर्ड दैट। लेकिन जब राजा ने ये बात सुनी तो उसे बड़ा गुस्सा तो आया, बट एज ही वॉज जस्ट एंड प्लेसिड। अब जो राजा था ना, वो किस चीज़ के लिए जाना जाता था कि भाई जो राजा है वो न्यायप्रिय होना चाहिए और शांतिपूर्वक काम करने वाला होना चाहिए। तो जैसे उसकी ये आइडेंटिटी प्रचलित थी, तो ही सीम्ड टू कंसल्ट दी वाइजेस्ट पर्सन। तो हुआ क्या कि जैसे भाई कोई भी राजा अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो अपने मंत्रिमंडल में डिस्कस करता होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ कि उसने क्या इच्छा जाहिर की कि भाई जो हमारे इस किंगडम का वाइजेस्ट पर्सन है वो उसके साथ कंसल्ट करेगा।
अब अगर थोड़ा सा और बताऊं तो भाई वाइजेस्ट पर्सन कौन था एक्चुअली इनकी थॉट के अकॉर्डिंगली, कि जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है, ओल्ड है, जिसने सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि उम्र अपनी निकाली है, वो उसके अकॉर्डिंगली वही वाइजेस्ट पर्सन है। तो जो वाइजेस्ट पर्सन था वो बेचारा अच्छे से उसको दिखता भी नहीं था, उसको लेकर आए और उससे जब पूछा गया तो उसने क्या कहा, उसने कहा द आर्च वॉज द रियल कल्प्रिट एंड इट शुड बी हैंग। अब उसने क्या कहा, वो उसने ये बोला कि भाई जो आर्च है ना एक्चुअली मुजरिम वो है, क्योंकि उसने राजा जी का मुकुट जो है वो नीचे गिराया, तो इसलिए उसे सजा दी जानी चाहिए, उसे हैंग करना चाहिए। अब देखो क्या हुआ, वेन दी प्रेपरेशंस वर मेड अ काउंसलर सेड दैट द आर्च हैड टच्ड द किंग्स हेड, इट वुड बी अ शेम टू पनिश इट, एवरी वन एग्रीड टू इट। अब हुआ क्या कि जब ये तैयारियां की जाने लगी, अब आप खुद ही इमेजिन कर देखो कि किस तरीके का स्ट्रक्चर अगर आर्च बनाया गया है तो उसे भाई कैसे हैंग किया जा सकता है। तो लेकिन फिर भी जब ये लोग तैयारियां कर रहे हैं, फिर भी एक काउंसलर ने, दैट मींस वन ऑफ द मिनिस्टर्स ने क्या कहा कि भाई जो आर्च है उसने तो राजा के सिर को छुआ है, अब उसको हम पनिश थोड़ी ना कर सकते हैं, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। मतलब जिस चीज़ ने राजा जी के सिर को छू लिया तो वो तो बड़ी मतलब बढ़िया बन गई, अब उसको थोड़ी ना हम सजा दे सकते हैं। तो सभी इस बात के लिए सहमत हो गए कि हाँ भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, मीनवाइल द क्राउड ग्रू रेस्टलेस, लेकिन जो भीड़ एकत्रित हुई थी, जो भीड़ गैदर हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो गई। तो राजा ने क्या किया, द किंग प्रोमिस्ड दैट समवन वुड श्योरली बी हैंग्ड। तो राजा ने भाई प्रॉमिस किया कि भाई कोई ना कोई तो ज़रूर अब फांसी पर लटकाया ही जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने ये बोला था तो जो मैंने बोल दिया वो तो होगा ही होगा। तो हुआ क्या, सो द नूज वॉज सेटअप। अब ये नूज क्या होता है, जो ये फंदा होता है ना फांसी का, उसको नूज बोला जाता है। तो भाई ये नूज जो था वो सेट कर दिया गया। अब हुआ क्या, जहाँ पर जिस ऊंचाई पर इसे सेट किया गया, तो हुआ क्या, वहाँ नो वन एक्सेप्ट द किंग कुड रीच इट। तो वहाँ जिस पर, जहाँ तक, जिस लेंथ पर इसको सेट किया गया, वहाँ पर कोई और नहीं पहुँच पाया सिवाय राजा के। Therefore, the king ordered his hanging. तो अब राजा था तो उसने बोला था कि भाई को किसी ना किसी को तो हैंग करना ही है, तो उसने खुद को ही हैंग करने का आदेश दे दिया। एंड ही वॉज फाइनली एग्जीक्यूटेड, और फाइनली उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, दैट मीन्स उसको फांसी पर लटका दिया गया। अब देखो क्या हुआ, आयरनिकल, एवरी वन सेड लॉन्ग लिव द किंग। अब बेचारा राजा तो मर ही गया, अब उसके लिए वो लॉन्ग लिव वाली प्रेयर्स कर रहे हैं। अब हुआ क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनिस्टर्स थॉट अबाउट देयर नेक्स्ट किंग। अब देखो, अब ये एक ऐसा किंगडम बन गया था जहाँ पर अब कोई भी राजा नहीं था, क्योंकि राजा जो था वो तो मर गया। तो अब हुआ क्या कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो मिनिस्टर्स हैं वो इस बात को लेकर सोच रहे हैं। अब देखो, यहाँ इस किंगडम की एक और कस्टम था, क्या था, इट वॉज अ कस्टम दैट द पर्सन नेक्स्ट टू पास द मेन गेट वुड चूज द रूलर ऑफ द किंगडम। कि जो पर्सन मेन गेट के पास से गुजरेगा, सामने से गुजरेगा, वही बंदा सिलेक्ट करेगा कि भाई राजा कौन बनेगा। अब क्या हुआ, एन इडियट पास्ड बाय द गेट। अब कौन गुजरा, एक इडियट पर्सन गुजरा। अब आप खुद ही इमेजिन करके देख लो कि एक इडियट जो है वो कितना वाइज डिसीजन लेगा। सो ही सेड दैट अ मेलन शुड बी द नेक्स्ट किंग। तो इट माइट बी पॉसिबल कि उस इडियट को मेलन बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, खरबूजे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, तो इसलिए उसने क्या बोल दिया कि भाई एक मेलन जो है वही नेक्स्ट राजा जो है बनेगा। तो इसलिए इन द एंड अ मेलन वॉज क्राउंड टू बी द किंग ऑफ दैट सिटी, और इसी तरीके से वो सिटी एक मेलन सिटी बन गई। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस। हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए अगर बहुत ही गहराई से हम समझने की कोशिश करें तो पोएम एक बहुत ही अच्छा फीचर हाईलाइट कर रही है। द पोएम हाईलाइट्स द फीचर ऑफ एन इंडिपेंडेंट इकॉनमी। अगर आपने पोएम रीड की हो तो उसमें एक लेजिस फेयर वाला वर्ड आया था बिल्कुल एंड में। तो ये लेजिस फेयर वाला कंसेप्ट क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट इकॉनमी को दर्शाता है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर लोग फ्री होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अब ऑब्वियसली है, जिस प्रदेश का राजा एक मेलन होगा, एक खरबूजा होगा, तो वो खरबूजा कैसे अपनी पूरी की पूरी प्रजा के ऊपर अपना रोप जमाएगा, वो तो थोड़ी ना कोई डिसीजन ले सकता है। ऑब्वियसली लोग खुद ही फ्री माइंड होकर अपने डिसीजंस खुद लेंगे। तो इसीलिए ये जो पूरा का पूरा आपकी पोएम है वो किसको हाईलाइट कर रही है, एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के फीचर्स को हाईलाइट कर रही है, जहाँ पर लोगों के पास फुल फ्रीडम होती है, वेयर द पीपल सीक फुल फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड।
इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हु देयर रूलर इज, कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूल कौन कर रहा है, बिकॉज दे आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन चॉइसेस. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द समरी. उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से ये समरी समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. काइंडली चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे.